जितना कमजोर होगा दूसरे में उतनी ही ताकत होगी। टर्की में इस वक्त कहाँ है सलमान खान? कटरीना कैफ और विकी की एंगेजमेंट के र्यूमर पर कैसा था विकी के पेरेंट्स का रिएक्शन? टाइगर 3 में कैसा होगा सलमान खान का लुक? हेलो नमस्कार, तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका बॉडीग्राड स्टूडियोज में, जहाँ हम बात करते हैं आने वाली फिल्मों की और आज की फिल्मों की। और आज फिर हाजिर हूँ मैं, यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर, बॉलीवुड की फिल्मों के कुछ ताजा अपडेट्स के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 और सलमान के बारे में। हमारे भाईजान सलमान खान ही है बॉलीवुड की जान। सलमान खान की हर फिल्म को उनके फैंस बार बार जाकर देखते हैं, चाहे वो फिल्म कैसी भी क्यों ना। पिछले कई महीनों से सलमान खान अपनी फिल्म टाइगर 3 को लेकर बिजी हैं और वो इस वक्त अपनी फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग टर्की में करने गए हुए हैं। इस समय सलमान खान टर्की के कैपडोशिया में फिल्म की शूटिंग के लिए ठहरे हुए हैं। वह अपने बॉलीवुड के गलियारों से उठा साल का सबसे बड़ा र्यूमर तो जरूर ही सुना होगा। अरे भाई, मैं बात कर रही हूँ कटरीना कैफ और विकी कौशिक की एंगेजमेंट के र्यूमर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिछले महीने ही किसी ने कटरीना कैफ और विकी कौशल की एक तस्वीर शेयर कर दी थी, जिसमें कटरीना कैफ और विकी कौशल साथ में ट्रेडिशनल वेयर में नजर आ रहे हैं। ये फोटो वायरल होते ही फैंस में दोनों की एंगेजमेंट हो जाने की अटकलें लगाने लगी। हालांकि दोनों एक्टर्स ने इस बात को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया, लेकिन हाल ही में विकी कौशल के भाई सनी कौशल से जब ये इंटरव्यू में पूछा गया था विकी कौशल और कटरीना कैफ की एंगेजमेंट की अफवाह सुनकर उनके परिवार का क्या रिएक्शन था, तो सनी ने बताया था कि जिस समय ये अफवाह उड़ी थी कि विकी ने कटरीना से एंगेजमेंट कर ली है, उस समय विकी जिम में थे और जब वो घर आए थे तो उनके पेरेंट्स ने विकी से मजाकिया अंदाज में बोला कि भाई तूने एंगेजमेंट कर ली और हमें बताया भी नहीं। मतलब उनके पेरेंट्स को भी पता नहीं था कि ये बस एक अफवाह है और कुछ नहीं। फिलहाल विकी कौशल अपनी अपकमिंग फिल्म द इमॉर्टल अश्वत्थामा को लेकर बिजी हैं और कटरीना कैफ भी अपनी फिल्म टाइगर 3 के लेकर शूटिंग में बिजी हैं। वही बात करें अगर फिल्म टाइगर 3 की, तो इस फिल्म में ऑडियंस को सलमान खान के कई लुक देखने को मिलेंगे। जैसा कि इस फिल्म में सलमान खान एक इंडियन एजेंट के रोल में निभाएंगे, ऐसे में स्टोरी के हिसाब से उनके बदलते लुक्स दर्शकों को देखने को मिलेंगे। हाल ही में सलमान खान की टर्की के शूट से एक फोटो वायरल हुई थी, जिसमें वो बड़ी दाढ़ी और मूंछों में नजर आ रहे थे। हालांकि ये बात तो पक्की है कि इस फिल्म में सलमान खान के कई नए लुक्स देखने को मिलेंगे। सलमान खान के फैंस टाइगर 3 को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। ये फिल्म जल्द रिलीज की जाएगी। फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। बॉलीवुड के बाकी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ, और यहाँ हम आपको देंगे बॉलीवुड की एक एक खबर। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अलविदा।